खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। बॉलीवुड से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर किए सुसाइड। सुशांत 34 साल के थे। सुशांत बॉलीवुड के बहुत ही लोकप्रिय एक्टर भी थे। रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत के कुछ दोस्त भी उनके घर पर रुके थे। उनके दरवाजे को जब तोड़ा गया तो रूम में सुशांत फांसी के फंदे से लटकते पाए गए। पुलिस की रिपोर्ट्स के अनुसार वे पिछले 6 महीने से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी एक्टर के तौर पर की थी। उन्होंने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नाम के धारावाहिक में काम किया था, पर पहचान उन्हें एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली थी। इसके बाद उनका फिल्मों का सफर शुरू हुआ। वे फिल्म काय पोछे में लीड एक्टर के तौर पर नजर भी आए थे और उनके अभिनय की काफी तारीफ भी की गई थी। इसके बाद वो शुद्ध देसी रोमांस में वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ दिखे थे। हालांकि उन्होंने सबसे ज्यादा चर्चे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी का किरदार निभाकर बटोरी थी। नीरज पांडे द्वारा निर्देशित MS धोनी की बायोपिक सुशांत के करियर की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का कलेक्शन किया था। सुशांत इसके अलावा सोन चिड़िया और छिछोरा जैसी फिल्मों में नजर आ चुके थे। उनकी आखिरी फिल्म केदारनाथ थी जिसमें वे सारा अली खान के साथ दिखे थे। सुशांत की अपकमिंग फिल्म कीजी और मैनी थी। इस फिल्म का कुछ समय पहले फर्स्ट लुक भी रिलीज हो चुका था और सुशांत की सुसाइड की खबर ने पूरे बॉलीवुड में तहलका मचा दिया है और लोगों का यह भी कहना है कि पूरा 2020 बॉलीवुड के लिए काफी खराब रहा है।